मलिक जो चार राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं उनके घर पे पड़ा सीबीआई का छापा। इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जो चार राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, पुलवामा का खुलासा भी उन्हीं के हाथों से हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने खुद बताया था कि उनके कलम से जो 370 हटा था वो भी उनके ही कलम से हटा था, उनके घर पे पड़ा है सीबीआई का छापा। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक सुबह से ये खबरें जो है, कल से ये जो खबरें हैं ये नजर आ रही हैं कि सत्यपाल मलिक के यहाँ पे सीबीआई का छापा पड़ा है, या कोई भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, या फिर मोदी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, या फिर अडानी या अंबानी को लपेटे में लेने की कोशिश करता है, तो सीधा भाजपा सरकार उनके यहाँ पे ईडी सीबीआई भेज देती है, उनके यहाँ पे छापे पड़वा देती है, या फिर किसी घोटाले में फंसवाने की कोशिश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्यपाल मलिक का आपको पता ही है कितने खुल के बोलते हैं और सीधे तरीके से भाजपा सरकार पर निशाना चाहते हैं, उन्हीं के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। वो हाल ही में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, पार्ट टू जिसे नाम दिया गया है, उनका समर्थन कर रहे थे और साथ ही साथ सीधे तौर पर भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साध रहे थे, उन्हीं के यहाँ पे छापा पड़ा है। सत्यपाल मलिक जो है वो कहते हैं कि जो मोदी है वो अपने फायदे के लिए राम मंदिर पे अगर बम गिरवाना चाहे तो वो भी गिरवा सकते हैं, और अगर अपने नेताओं को ही जेल में डालना हो तो वो भी कर सकते हैं अगर उनको इनसे फायदा हो। ये सीधे तौर पर सत्यपाल मलिक ऐसा बोलते हैं कि भाजपा सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। भाजपा सरकार की तरफ से ही कहा जाए तो उन्होंने ही सीबीआई का छापा सत्यपाल मलिक के ऊपर पड़वाया है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस पर सत्यपाल मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख के बोला है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। सत्यपाल मलिक लिखते हैं, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी कि उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाही सरकार एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। सत्यपाल मलिक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं झुकूंगा और ना ही मैं डरूंगा। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है वो सीधे तौर पर उनके घर पे छापेमारी करवा रही है, सीबीआई का छापेमारी करवा रही है और सीधे तौर पर उनको परेशान किया जा रहा है। हमने हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने उसमें सीधे तौर पर बोला था कि पुलवामा का खुलासा उनकी तरफ से हुआ था और उसके बाद उनको थ्रेट्स वगैरह भी आए थे, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। वो इसी तरीके से जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाते रहेंगे, उनका जो भी गलत चीज उनको देखेंगी वो आवाज उठाते रहेंगे और खुल के बोलेंगे। और हाल ही में जो किसानों का, अगर हम आपको किसानों की बात कर दें तो, और अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो शंभू बॉर्डर पे एक बार फिर से आंसू के गोले दागे गए, किसानों के ऊपर बर्बरता की गई, पुलिस वालों द्वारा गोलियां चलाई गई। जिस तरीके से किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, उनको फिर से एक बार रोका गया है, क्योंकि किसान जो है वो हार मानने वाले नहीं है। और उन्हीं के समर्थन में सत्यपाल मलिक जो है वो खुल के बोल रहे हैं कि किसानों के साथ अगर मुझे उतरना पड़े तो मैं भूख हड़ताल करने को तैयार हूँ, किसानों के साथ बैठने को तैयार हूँ। और उसके बाद जो है कि खबर आती है कि सीबीआई का छापा उनके ऊपर पड़ जाता है। इस पे जो है तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दमूक नायक लिखता है, मेरे मकान में सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं, मैं इन छापों से घबराऊंगा नहीं, किसान का बेटा हूं, किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। के बाद इस पे दीपक शर्मा लिखते हैं, खबर है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहाँ सीबीआई छापे पड़ रहे हैं, उनके दिल्ली के सोमविहार वाले फ्लैट और गांव तक छापे पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि सत्यपाल मलिक के यहाँ ये छापे तब पड़ रहे हैं जब वे मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। सत्यपाल मलिक जिन्हें अनिल अंबानी की बीमा कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अंबानी से तो पूछताछ नहीं हुई पर मलिक निशाने पर आ गए, कि सत्यपाल मलिक ने जो अनिल अंबानी की जो बीमा कंपनी है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन जो अंबानी के ऊपर तो कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जो सीबीआई है वो सत्यपाल मलिक के यहाँ पे भेज दी गई। इसके बाद इंडियन कांग्रेस लिखता है, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई का छापा, नॉर्थ कोरिया बन चुके भारत में आपका स्वागत है। मतलब अगर कोई भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर सीधे तौर पर
ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी, उनके ऊपर छापेमारी कर दी जाएगी। जब भी आप भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं तो ईडी सीबीआई का छापा सीधे तौर पर आपके घर में या आपको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों तक को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी उठा लिया जाता है अगर वो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं तो यही जो है डर जो है सता रहा है सबको कि अगर हम भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनके यहाँ पे ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार खुद तो कुछ कर नहीं पाती है, वो सीधे तौर पर ईडी सीबीआई को भेज देती है ताकि लोग जो है उनके खिलाफ बोल ही ना पाए। और इसी पर सत्यपाल मलिक ने जो बोला था, एक बार हम फिर आपको बता देते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने सीधा बोला था कि अगर उन्हें राम मंदिर पे बम गिरवाना हो मोदी सरकार को, अगर उससे उनका फायदा हो रहा हो, बल्कि जो राम मंदिर उन्होंने खुद बनाया है अगर उससे उनका फायदा हो रहा हो तो वो बम भी गिरवा सकते हैं, और अगर उनको अपने नेता को गिरफ्तार करवाना हो तो वो गिरफ्तार भी करवा सकते हैं अगर उनको फायदा हो रहा हो तो। उसके बाद संदीप चौधरी लिखते हैं, पुलवामा की हकीकत सामने लाने वाले पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा, नए भारत में आपका स्वागत है। मतलब सभी का यही मानना है किस तरीके से जो नए भारत की घोषणा की जा रही थी भाजपा सरकार द्वारा, तो नया भारत यही है कि अगर कोई भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा तो ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। किस तरीके से ये सरकार जो है किस तरीके से परेशान करती है बड़े नेताओं को अपने फायदे के लिए ताकि उनके खिलाफ कोई बोल ही ना पाए। और हाल ही में ये जो पूरा जो सत्यपाल मलिक के ऊपर जो सीबीआई का छापा पड़ा है, ये खबर जो है वायरल हो रही है कि, और इस पे जो है सत्यपाल मलिक भी फिर से दोबारा निशाना साध रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। उसके बाद श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का क्या गुनाह था, जवाब, उन्होंने चोर को चोर बोला, बस इतना ही। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी याद रखा जाएगा कि तानाशाहों की सूची में मोदी सबसे डरपोक तानाशाह था। मतलब सीधे तौर पर इसमें भी यही कहा जा रहा है कि चोर को चोर ही बोलेंगे, ना कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें गलत ही बोला जाएगा, कि ये तानाशाह सरकार जो है डरती है और डरने के बाद ईडी सीबीआई को आगे कर देती है, और ये तानाशाह सरकार जो है अगर इसको हटाना है तो इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसके बाद अगर चीजें देखी जाए तो इसमें ईवीएम के ऊपर भी लगातार चीजें सामने आ रही हैं कि ईवीएम से ही सरकार बनाते हैं, अगर ईवीएम ना हो तो एक भी वोट शायद भाजपा सरकार के वोट बैंक में नहीं आ पाएगा। इसके ऊपर प्रज्ञा मिश्रा लिखती हैं, पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बन गया है कि जो ज्यादा बोलता है उसके यहाँ तो ईडी का छापा पड़ता है, ये सीबीआई का किसी दूसरी एजेंसी का। सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से मुखर होकर बोल रहे थे तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया। वो किसानों के ऊपर बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे हैं, और पुलवामा के ऊपर उन्होंने बहुत सारे खुलासे करे थे, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि उनके कलम से ही 370 हटा था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये जो खबरें हैं ये टीवी मीडिया या अखबारों में कहीं भी नहीं दिखाई गई, और सीधे तौर पर इन खबरों को दबा दिया गया था, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो ये नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी खबर जो है चलाई जाए, क्योंकि उनके खिलाफ जो खबर चलाएगा उनके यहाँ पे फिर से ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे। और सत्यपाल मलिक जो मुखर होकर बोलते हैं वो अभी जो है किसानों का साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि किसानों के साथ अगर मुझे साथ आना पड़े तो मैं उनके साथ आने को तैयार हूँ। इस पे ललन टॉप लिखता है, सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो बीजेपी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे, लोकसभा चुनाव, राम मंदिर और पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने कब कहां पढ़िए। पीएम घमंड में थे बीजेपी राम मंदिर पर बम सत्यपाल मलिक के, वो 5 बयान जिन पर मच चुका है बवाल। उनका जो 5 बयान थे उस पर बवाल मच चुका है, लेकिन सत्यपाल मलिक ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप ईडी सीबीआई का छापा पड़वा ले, चाहे आप हमें डराने की कोशिश कर ले, चाहे आप ईडी सीबीआई भेज दे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे, और इस तानाशाह सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, हम सीधे तौर पर अगर जो है मुखर होकर बोलेंगे तो हमारे ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसी तरीके से भाजपा सरकार जो गलत काम करेगी हम उसको दिखाते रहेंगे। बाकी ये जो पूरी बातचीत है, ये जो पूरी वीडियो है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।